हाँ हेलो, आज देखते हैं यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट जो है होने वाला हो रहा है। इससे पहले जो है आप फिजिक्स का वीडियो गया था जिसमें हम लोग देखे थे कि कौन सा जो है शायद विज्ञान के साइंस की जो है मॉक टेस्ट का जो है वीडियो गया था, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उसे देख लीजिएगा। यहाँ हम आज बात करेंगे मैथ का पेपर कैसा आया है जो मॉक टेस्ट है, इसमें बच्चों से पूछेंगे, देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन हैं, उनकी तैयारी क्या है, कैसे हैं। तो ये मॉक टेस्ट लेने का यही है कि हम उनकी कॉपी देखते हैं, उसके बाद जो है हमें देखेंगे कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं ये लोग, किस चीज़ का है, तो इसको एक महीने के अंदर इनको हम सुधार लेंगे। तो इसलिए ऐसे जो है मॉक टेस्ट बनाया ही गया है, इसलिए कि ये लड़कियों जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली ही जाते हैं कुछ ना कुछ गलतियाँ, पहले कोई भी चीज़ होगा जो पहली बार कोई करता है तो उसमें ढेर सारी गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इसलिए तो क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट जैसे एग्ज़ाम के टाइप से ही सारे सब्जेक्ट का ही करवा रहे हैं। तो वही इसी स्थिति से मतलब जो कटा हुआ है 30% COVID-19 के तहत, तो उनको हटा दिया गया है और उसके आधार पर जो है पेपर मॉडल पेपर बनाया गया है, जो आपको PDF हम दे देंगे, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर है इसमें ये लोग क्वेश्चन करेंगे अपने अकॉर्डिंग से, और यहाँ पर हम कॉपी चेक करने के बाद समीक्षा करेंगे कि कौन कैसा है, और उसका नंबर भी बताया जाएगा, जो अच्छे नंबर लाएंगे तो वो आपको उसमें दिखाया भी जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है ये इस पेपर में क्या कैसे आया है, तो स्टूडेंट्स के राय लेते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। चलिए आते हैं, चलिए यहाँ हम आते, देखिए यहाँ जो है यहाँ होनहार स्टूडेंट एक हैं राहुल, इनसे पूछते हैं पेपर में कैसा पेपर आया, इनकी तैयारी कैसा हुआ है, और ये भी देखते हैं कि ये कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या कैसा इनकी तैयारी है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताइए पेपर कैसा आया है? पेपर अच्छा है। और जो है आपकी तैयारी और पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। तो ये बताइए वो पाठ्यक्रम से तो नहीं आया जो आपका जो है? नहीं, जो हट गया वो नहीं आया। नहीं आया है? नहीं आया। तो पेपर से आपको क्या, ये पेपर से देने से आपको क्या फायदा होगा ये बता सकते हैं? यूपी बोर्ड के लिए हमें आसानी होगी। कैसी आसानी होगी? तो जो और बच्चों से हम बात करते हैं, देखते हैं उनका राय क्या है। चलिए यहाँ पर आइए, देखते हैं अमित, इनका मान नाम है नितिन, नितिन से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। ये बताइए जो है आपका तैयारी कैसे है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितने घंटे पढ़ते हो आप? शाम को 3 घंटे, सुबह 2। ये मॉक टेस्ट देने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? चलिए जो हमारे गलतियाँ होती हैं सर जी, उससे हमें फ़ायदा होता है, और पेपर में सर जी हमारा वो सर जी परसेंटेज बढ़ने का चांस रहता है। परसेंटेज बढ़ने का चांस रहता है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, करिए आप अपना पेपर करिए। आइए हम बात करते हैं किसी और से, यहाँ देखिए जो है शिवम है जो पीछे देखते हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या जो है तैयारी है, कैसा है जो है, वही नितिन के दोस्त हैं ये भी जान सकते हैं। आइए इनकी पढ़ाई और इनका जो है ये देखते हैं कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे ये खेलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके जो है, ये बताइए आप की तैयारी कई घंटे चलती है, रात में कितने पढ़ते हो और दिन में कैसे? सर सुबह 1 घंटे, शाम को 2 घंटे। सुबह 1 घंटे पढ़ते हैं या शाम को 2 घंटे पढ़ते हैं ये? और बताइए पेपर कैसा है? पेपर अच्छा है सर। और वो तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस से बाहर? नहीं सर, नहीं आया। अच्छा, ये पेपर देने से आपको क्या लाभ होगा इससे? कोई इससे यही लाभ होगा कि मतलब आने वाले बोर्ड में परसेंटेज बढ़ सकते हैं। बढ़ सकता है। और कुछ आपकी तैयारी कैसे हो सकती है, अच्छी हो सकती है? जी सर, अच्छी हो सकती है। अच्छी हो सकती है, बेस्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इनकी तैयारी इससे अच्छी होगी और एग्ज़ाम में परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक फ्री फायर जो खेलते हैं बहुत, अब मगर वो छोड़ दिए हैं अब एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए। तो आइए हम बात करते हैं हमजा अंसारी से। तो हमजा इधर आइए, यहाँ ये थोड़ा घबरा रहे हैं तो देख लेते हैं। तो ये बताइए आप कितना घंटे पढ़ते हैं जो फ्री फायर को छोड़कर? हम रात में पढ़ते हैं 2 बजे से 4 बजे तक। रात 2 बजे से 4 बजे तक यही टाइम आपको मिलता है क्या पढ़ने का? और कोई टाइम नहीं सर, और याद ही नहीं होता उसके अलावा। मतलब उस टाइम याद होता है 2 बजे से 4 बजे तक? ये बोल रहे हैं 2 बजे से 4 बजे तक या हमको याद होता है और टाइम हमको याद नहीं होता है, इसका कारण क्या है जो और टाइम नहीं याद होता है? सर दिन में हम नहीं याद करते हैं, रात ही को हम याद करते हैं। दिन में क्या करते हैं आप? सर दिन में बस दुकान जाते हैं और खेलते हैं। दुकान जाते हो और खेलते हो?
तो यूपी बोर्ड के जो तैयारी है आपकी कैसे चल रही है, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? सर तैयारी तो अच्छी चल रही है। गेम उम तो कोई खेल नहीं रहे हो? नहीं सर, गेम उम कुछ नहीं चल रहा है। कब से छोड़े हो गेम खेलना? सर हो गया दो हफ्ते हो गए सर। दो हफ्ते से छोड़ दियो, अब एग्ज़ाम तक छुट्टा रहेगा? सर एग्ज़ाम तक बात कर, चलिए देख, कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तक जो है छुट्टा रहेगा। तो यहाँ पर एक बहुत सीरियस लेवल के जो है, बहुत सीरियस रहते हैं वो निखिल सागर, इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका राय क्या है। निखिल आप बताइए, पेपर कैसा आया है? पेपर बहुत अच्छा आया है। पेपर बहुत अच्छा आया है, और तैयारी कैसी है आपकी? सही, तैयारी अच्छी है सर, जो पढ़ाएँ सर वही आया। वही आया सर। और कितने नंबर जो है आप कर पाएंगे आइए पेपर से, आप कितने निकाल सकते हैं ऐसे अनुमान बताइए आप? सर इस पेपर से हम 60 नंबर तक निकाल सकते हैं। 60 नंबर तक निकाल सकते हैं, वेरी गुड। तैयारी कितना किया आप, रिवीजन कितना हुआ आपका? सही, रिवीजन सर पूरा करे हैं सर जी। कितने घंटे तैयारी कर रहे थे आप? सही, शाम को 2 घंटे पढ़ते हैं बस। और सुबह? नहीं, सुबह 1 घंटे। शाम को 2 घंटे, सुबह 1 घंटे, और 60 नंबर निकालने का दावा कर रहे हैं ये। और इनका जो है कॉपी आपको पता चलेगा जब निकलेगा जो है, देखते हैं कितना नंबर आएगा उनका। तो ऐसे ही इसी तरीके से हम मॉक टेस्ट जो है करा लेते हैं, ताकि कुछ लड़कों के जो है जो कंफ्यूजन रहता है यहीं पर क्लियर हो जाए, और हम आसानी से जो है क्या कहते हैं देख सकें कि किसकी कॉपी में क्या गलतियां हैं, क्या कमी कर रहे हैं, उसको हम सुधार लेंगे। तो इसलिए जो है हम ये मॉक टेस्ट करा रहे हैं, और हर सब्जेक्ट का करा रहे हैं। तो कुछ समय ना होने पर जो है इसलिए तो दो ही वीडियो बना पाए हैं इस पर, नहीं तो हम सारे वीडियो आपको दिखाते। बट जो भी है सही है, जितना भी आप देख सकते हैं, हम आपको ये हर कॉपी और YouTube पे दिखाएंगे, जिसका भी ये नंबर अच्छा होगा तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये वीडियो जैसा भी लगा हो, ये मेथड जैसा भी आपको लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।